चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि आपका बहुप्रतीक्षित पर्यावरण सीटेट के पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट जो कि आज आपको यहां से प्रदान होने वाला है, यहां आज प्रश्नों की श्रृंखलाओं के अंतर्गत आपको कुछ इस तरीके का आभास होगा कि यदि प्रैक्टिस सेट में यदि आप अपनी पूरी भागीदारी बनाते हैं तो दोस्त मैं वादा करता हूं कि वो आप ही स्टूडेंट होंगे जो अधिकतम अंक जो 25+ की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। हम यहाँ पे आपको ये बता दें कि प्रश्नों की श्रृंखला सर्वप्रथम हम यहाँ पे शुरू करते हैं शिक्षण से और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आपको शिक्षण के क्रम से इसी धीरे धीरे विषय वस्तु और कहानियों की ओर लेके चलते हैं। तो चलिएगा, आज का ये जो प्रश्न होगा आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सबसे पहले अपने से हल करने का प्रयास करिएगा। मैं वादा करता हूँ कि यदि 9 प्रश्नों में से 9 यदि आप हल कर पाए बिना किसी सहायता के आपकी सीटेट एनवायरनमेंट शिक्षण की तैयारी पूरी पूरी 70 से 80% पूरी मानी जाएगी। मैं एक बार हटता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं इस प्रश्नों के महत्वपूर्ण व्याख्या पर। चलिए दोस्त, यहां पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आपकी कक्षा में एक बालक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है और इसकी व्याख्या किस प्रकार के शिक्षण के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बी कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षण, सी कह रहा है सृजनात्मक शिक्षण, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साहब आपका ऑप्शन नंबर ए तो डी तो सीधे सीधे कट जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिक्षण का कार्य तो हो ही रहा है साहब, बिल्कुल। और शिक्षक केंद्रित मतलब राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली कहते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली को, ना तो राजाओं का शासन रहा ना तो ऐसी शिक्षण प्रणाली रही। दाव पेच फंसा 2 में ऑप्शन नंबर या तो बी सही हो सकता है या तो सी। कहता है कि आपका ऑप्शन सी कह रहा है सृजनात्मक मतलब एक ऐसा शिक्षण जिसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए स्वयं की क्रियाओं के माध्यम से अपना विशेष क्षमता प्रयोग करते हुए सीखे। और बी कह रहा बाल केंद्रित शिक्षण, आपका झुकाव सी हो सकता है लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होगा। क्यों? हम देखते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है प्रत्येक कक्षाओं में कि कक्षा में सदैव व्यक्तिगत भिन्नता विद्यमान होती, और व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहता है, सभी बालकों को आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो सभी बालक समान गति से नहीं सीख पाएंगे और यहाँ पे आपका प्रभावी कक्षा शिक्षण नहीं हो पाएगा। वहाँ पे आपकी कक्षा में बालकों के अधिगम में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाएगी जो नहीं सीख पाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षण क्या कहता है, ये कहता है कि शिक्षण कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य मानवीय मूल्यों के आधार पर किया जाता है। मानवीय मूल्य का मतलब कि बालकों के इच्छा आवश्यकता इत्यादि के को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिसमें शिक्षक और बालक दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछ के वो अपनी भावना, शिक्षक अपनी भावना और दोनों भावनाओं से प्रभावित होकर आपस में अंतःक्रिया करते हुए शिक्षण का कार्य पूरा करते हैं। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या निकला, बाल केंद्रित शिक्षा, या इसी को हम लोकतंत्रात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। चलिए साहब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इस वर्ष 2019 के लिए बहुत ही टॉप मोस्ट प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह किसी शिक्षण विधि से लिया गया प्रश्न है और शिक्षण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहता है कि मानसिक रूप से मंद बालक के शिक्षण में शिक्षक किसका परीक्षण नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक किसका परीक्षण नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शारीरिक परीक्षण, बी कह रहा है कर्मेंद्रियों का परीक्षण, सी कह रहा है शैक्षिक परीक्षण, डी कह रहा है सामाजिक परीक्षण। देखिएगा साहब, यहां पर हमने आपको मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी शिक्षा विधि बताई थी जो मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए थी, जिसमें मॉन्टेसरी महोदय ने 4 स्टेज बताए। उन्होंने कहा कि बालकों के सर्वप्रथम ऐसे बालक जब कक्षा में प्रवेश करें सबसे पहले उनके ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण किया जाना चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि बालक की ज्ञानेंद्रियां कितना विकसित हैं और कितना की जा सकती, इसके पश्चात उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
फिर उन्होंने बताया था कि आपको दूसरे स्तर पे कि जब ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पूरा हो जाए तो बालक के कर्मेंद्रियों का परीक्षण करके उसका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, और तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया था कि बालक को पढ़ना लिखना गणितीय क्षमता का विकास किया जाए, और चौथे क्रम पे उन्होंने बताया था बालक का सामाजिक परीक्षण किया जाना चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण और कर्मेंद्रियों का परीक्षण क्या शारीरिक परीक्षण कहा जा सकता है? साहब बिल्कुल कहा जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करना कर्मेंद्रियों का शारीरिक परीक्षण के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं हो सकता। कर्मेंद्रियों का परीक्षण आपने जाना ही कि किया ही जाता है, ये भी नहीं हो सकता। आपने यह भी जाना कि बालक का सामाजिक परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से, पहले बालक को अकेले कमरे में भेज के कमरे को व्यवस्थित कराया जाता है, फिर समूह में भेज के कराया जाता है कि बालक ये देखें कि वो परस्पर सहयोग प्रेम दया सहानुभूति इत्यादि दिखा रहे कि नहीं। लेकिन जब बालक मानसिक रूप से मंद है तो ऐसा बालक जो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं जाता कर्मेंद्रियों का नहीं जानता, उसका शैक्षिक परीक्षण किया जाएगा या उसका शैक्षिक प्रशिक्षण किया जाएगा? तो यहाँ पे परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि बालक का समाजीकरण सर्वाधिक होता है। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर याद करिए हमने आपको ये पढ़ाया हुआ था कि बालक सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है वह होता है उसका परिवार, और सबसे ज़्यादा समाजीकरण बालक का कहाँ पे होता है? उसके परिवार में होता है। इसके बाद बालक सबसे ज़्यादा समय जहाँ व्यतीत करता है वह उसका होता है क्या? पास पड़ोस होता है। और इसके बाद इससे ऊपर उठता है साहब तो बालक कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा परिवार और उसके बाद पास पड़ोस, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। कह रहा है परिवार और विद्यालय, साहब होगा नहीं होगा, क्योंकि परिवार से तो होता है लेकिन दूसरा सर्वाधिक विद्यालय से नहीं होता, बल्कि कहां से होता है? पास पड़ोस से होता है। अगला देखते हैं, कह रहा विद्यालय और पास पड़ोस, इसमें परिवार नहीं शामिल है, साहब इसको भी मैंने काट दिया। अगला कह रहा परिवार और रिश्तेदार, साहब जरा बताओ आप मामा के यहाँ कितने दिन रुकते हैं जहाँ पे आपका समाजीकरण होगा, तो ये भी साहब यहाँ पे नहीं होगा। और कह रहा परिवार और पास पड़ोस, देखे सीधा सीधा मैच कर गया, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? परिवार और पास पड़ोस। आगे बढ़ते हैं, कह रहा पर्यावरण शिक्षण में शामिल तत्व है, तो साहब हमने आपको बताया था NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण के लिए NCF 2005 ने एक स्पेशल शब्द यहाँ पे जारी किया। उसने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा प्रचलित थी, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा में विषय की व्यक्तिगत जानकारी दी जाती थी जो प्रारंभिक स्तर के बालकों को बोझिल लगती थी, तो यहाँ पे किसी विषय की व्यक्तिगत शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, और यहाँ पे ना तो इतिहास की शिक्षा ना तो विज्ञान की अवधारणाएँ सिखानी जानी चाहिए, बल्कि सभी विषयों की प्रारंभिक स्तर की जानकारी पर्यावरण से जोड़ते हुए एकीकृत करके बालक को प्रदान किया जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और यहां पर देखेंगे प्रश्न कहता है कि कक्षा एक के बालक को शिक्षण का कार्य आप करेंगे। साहब हमने आपको पढ़ाया हुआ था पर्यावरण शिक्षा, और उसमें हमने आपको ये बताया हुआ है कि भावात्मक पक्ष क्या है, क्रियात्मक पक्ष क्या है, चिंतन पक्ष क्या है और ज्ञानात्मक पक्ष क्या है। तो यहां पर देखिएगा साहब कि कक्षा एक का बालक है, मतलब वो प्रारंभिक स्तर का एक छोटा नन्हा सा बालक है, तो एक छोटा नन्हा सा बालक को अगर आप बताएं कि ये देखो तुम्हारी बुआ, अगर आप बताते हैं कि ये देखो तुम्हारी बुआ, तो ऐसी दशा में बालक उस चेहरे को बुआ के नाम से रट करके सीख लेता है, और जब कुछ दिन बाद उनकी बड़ी बहन आती आप कहते ये देखो तुम्हारी बुआ, बालक कहता नहीं मेरी बुआ कौन है ये, क्योंकि वो विषय वस्तुओं को रट करके याद करके सीखता है। तो यहां पे प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ज्ञानात्मक पक्ष को होना चाहिए, और जब आप ज्ञानात्मक पक्ष को प्रभावित कर लें, उस पर शिक्षण का कार्य कर लें, तो उसके पश्चात आप भावात्मक पक्ष को प्रभावित करें, और भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए आपको क्रियात्मक पक्ष प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। अगले क्रम पर हम आते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर,
और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक शिक्षक पढ़ाते समय कठिन प्रकरण को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाता है तो शिक्षक निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर रहा है। तो साहब हमने ये आपको विस्तार से पढ़ाया हुआ है कि कठिन प्रकरण को सरल प्रकरण के साथ जोड़ करके शिक्षक क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसके साथ प्रस्तुत करता है, जिससे बालक कठिन प्रकरण को सरल प्रकरण के साथ आसानी से सीख जाते हैं। और यह नियम है पावलाव का नियम, इसका वीडियो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप अगर यदि नहीं देखे तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कक्षा 5 का विद्यार्थी हरी साइकिल का चैन उतर गया, थोड़ी देर चिंतन करने के पश्चात समझ में आया कि चैन कैसे चढ़ाते हैं, तो हरी का सीखना कहलाएगा। तो साहब ध्यान देंगे कि अगर यदि कोई अचानक मन में सूझ आता है तो हमारा सीखना सूझ के द्वारा सीखना कहलाएगा। चलेगा साहब, हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे हम यहाँ अगले क्रम में कि प्रश्न है आपका कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कह रहा है कि विषय वस्तु मानसिक स्तर के अनुकूल हो, तो साहब ये भी है। कह रहा है विषय वस्तु संदर्भगत परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो साहब ये भी सत्य है कि वो बालक के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हो। नेक्स्ट कह रहा है कि विषय वस्तु पूर्व ज्ञान को जोड़ने वाली हो, तो ये भी सत्य है। साहब कह रहा है विषय वस्तु परिभाषाओं की व्याख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साहब, एनसीएफ ने 3 बातों को कहा कि कठिन शब्दावलियों, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु जोर देने वाली नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही है और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण शिक्षण की समस्या है, तो साहब पाठ्यक्रम मतलब यदि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होता है तो पर्यावरण शिक्षण अधिगम प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएगा। कह रहा है शिक्षण विधि, तो साहब ये भी है, अगर शिक्षक पढ़ाते समय शिक्षण विधि अगर यदि उपयुक्त प्रयोग नहीं करता है तो इससे भी यहाँ पर्यावरण शिक्षण अधिगम नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और नेक्स्ट कह रहा है बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, और डी कह रहा उपर्युक्त सभी, तो यहां सही आंसर है उपर्युक्त सभी। साहब यहां पर हमने आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत किया आज के इस प्रैक्टिस सेट पर, जहां पर आपने पर्यावरण अध्ययन के पहले प्रैक्टिस सेट में 9 प्रश्नों को हल किया। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में यहाँ एडमिशन लेने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8299310097 पर आप हमें कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सएप करें, यहाँ से आपको डेमो क्लास और ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया दोनों प्रदान की जाएगी। और अभी आपके एग्ज़ाम में 50-55 दिन बाकी हैं, जहाँ पे अगर यदि आप अपनी तैयारी को सफलता के रूप में बदलना चाहते हैं तो